सब्सक्राइब करो ऑटोमेशन विद आशीष चैनल को लेटेस्ट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने के लिए। दोस्तों मैं तो इसे अब तक का सबसे बेस्ट माइक्रोवेव सेंसर बोलूंगा, वो इसलिए क्योंकि इसकी साइज के हिसाब से इसकी सेंसिटिविटी रेंज काफी ज्यादा है। एक अच्छे सेटअप पर यह आपको 50 मीटर दैट इज ऑलमोस्ट 160 फीट की डिटेक्टिंग रेंज प्रोवाइड करेगा। बिल्कुल सही सुना है आपने दोस्तों, ये दरवाजे के आर पार, ग्लास पैनल्स के आर पार और पतली दीवारों के आर पार भी सेंस करता है मोशन। इंडस्ट्रियल हेवी यूज के लिए बनाया गया है इसे। इसका वेट दोस्तों सिर्फ 189 ग्राम्स है, किसी लेटेस्ट मोबाइल जितना, एक्चुअली उससे भी कम। ब्लैक टी इलेक्ट्रोडेक कंपनी ये प्रोडक्ट सप्लाई करती है, तो बेस्ट प्राइस बल्क क्वांटिटी के लिए आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस मोशन सेंसर का यूज ऑटोमेशन के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए और एज अ सिक्योरिटी सॉल्यूशन भी आप कर सकते हो। ये प्लास्टिक की लीड है जिसको खोलकर अंदर इसकी सेंसिटिविटी, लक्स और टाइम डिले एडजस्ट करना होता है। ये स्टील की रोटेटिंग प्लेट है जिसकी हेल्प से इसे आप वॉल पर या सीलिंग पर या किसी भी फ्लैट स्टेबल सरफेस पर इंस्टॉल कर सकते हो। वायर को भी अच्छे से फिक्स करने के लिए यहाँ एक प्लास्टिक का नट है। इस प्रोडक्ट के डायमेंशंस की बात करें तो 71.60 mm इसका डायमीटर है और 59 mm लेंथ है एक्सक्लूडिंग दिस वायर एक्सटेंशन। टेक्निकल फीचर्स, वायरिंग, टेस्टिंग सब आप डिटेल में देखते हैं दोस्तों। अगर हमारे वीडियो से आपको नॉलेज मिलता है तो लाइक जरूर करना फ्रेंड्स। तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। गाइस फिजिकल लुक तो आपने देख ही लिया है इंट्रोडक्शन में, तो अब स्पेसिफिकेशन देखकर कुछ नंबर्स क्लियर कर लेते हैं। पावर सोर्स दोस्तों नॉर्मल 220 वोल्ट से 240 वोल्ट एसी पर ही चलता है ये, और बाकी माइक्रोवेव सेंसर्स की ही तरह 0.2 मिलीवॉट से भी कम पावर ट्रांसमिट करता है, सो ये सेंसर भी ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है। टाइम डिले इसमें आप मिनिमम 5 सेकंड से मैक्सिमम 30 मिनट एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन ये एडजस्टमेंट 3 स्विच के लॉजिक पर बेस्ड है। दैट मीन्स आपके पास 5 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के टाइम डिले का चॉइस है। सिमिलरली डे एंड नाइट ऑपरेशन के लिए एम्बिएंट लाइट इसमें 2 से 2000 लक्स एडजस्टेबल है, जिसमें आपके पास 2, 5, 20, 50 और डायरेक्ट 2000 लक्स की एडजस्टेबल चॉइस है। ओके, अब सबसे मेन फीचर सेंसिटिविटी यानी डिटेक्शन। दोस्तों डिटेक्टिंग रेंज इसकी है 360 डिग्रीज और डिटेक्टिंग डिस्टेंस है 8 मीटर से 20 मीटर का डायमीटर, दैट इज 4 मीटर टू 10 मीटर ऑफ रेडियस। अब ये डिस्टेंस एडजस्टेबल है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, दैट इज 20%, 50%, 75% एंड 100%। अब सवाल है कि ये लोड कितना हैंडल करेगा। दोस्तों 1000 वॉट इनकैंडेसेंट और 2000 वॉट एनर्जी सेविंग, जस्ट इमेजिन इस पर आप 10 वॉट के 180 एलईडी बल्ब्स लगा सकते हो, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। वैसे थियोरेटिकली 200 एलईडी बल्ब्स। इस सेंसर को इंस्टॉल करने की रिकमेंडेड हाइट है 4 मीटर से 15 मीटर। दोस्तों स्ट्रीट लाइट ऑटोमेशन के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा ये, इससे काफी इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन भी होगा। आईपी रेटिंग आप गेस कर सकते हो, IP20, IP40, IP44, IP45? नहीं दोस्तों, ये प्रोडक्ट IP65 रेटिंग के साथ आता है, यानी फुल डस्ट प्रूफ, और किसी नोजल से भी आप पानी प्रोजेक्ट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी फुल वाटर प्रूफ। अब वायरिंग से पहले इसका लक्स सेंसिटिविटी और टाइम डिले कैसे चेंज करना है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इस स्क्रू को निकालना होगा। अब इस लीड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर निकालो। एंड हियर वी आर। इसकी लीड दोस्तों ज्यादा थिक नहीं है, तो इट वोंट बी एनी प्रॉब्लम। ये अंदर के सर्किट को डस्ट और पानी से प्रोटेक्ट करेगा। ये है टोटल 8 माइक्रो स्विचेस, जहां ऊपर होगी ऑन पोजीशन और नीचे ऑफ। ब्लैक पॉइंट मतलब अप पोजीशन और व्हाइट पॉइंट मतलब डाउन पोजीशन। सबसे पहले है डिटेक्शन रेंज, जो है 20%, 50%, 75% और 100%। इसे आपको स्विच 1 एंड 2 से चेंज करना है। ये है 20%, 50%, 75% और 100%। अब होल्ड टाइम 3, 4, 5 स्विच पर सेट करना है, जहां तीनों स्विच अगर नीचे रहेंगे तो होगा 30 मिनट्स का डिले और तीनों स्विच अगर ऊपर रहेंगे तो होगा 5 सेकंड का मिनिमम डिले। इन बिटवीन अगर आपको चाहिए तो उस लॉजिक के ऊपर आप इसे सेट कर सकते हो। थर्ड है डे लाइट सेंसर लक्स, जो 6th, 7th और 8th स्विच से चेंज होगा। तीनों स्विच नीचे मतलब 2 लक्स, जिससे कंप्लीट डार्कनेस में ही ये सेंसर वर्क करेगा, और सारे स्विचेस ऊपर करने से ये दिन में काम करेगा, विच विल बी मैक्सिमम 2000 लक्स। तो सेटिंग मैंने कर ली है सेंसिटिविटी मैक्सिमम, होल्ड टाइम मिनिमम और लक्स मैक्सिमम।
यह है माइक्रोवेव का एंटेना जहाँ से माइक्रोवेव सिग्नल से एमिट करता है। लीड को वापस लगा देना है दोस्तों वैसे ही जैसे हमने इसे निकाला था। अब वायरिंग डायग्राम समझ लेते हैं। इस सेंसर में टोटल 3 वायर्स है, रेड, ब्लू और ब्राउन, जहाँ रेड है लोड, ब्लू है कॉमन न्यूट्रल और ब्राउन है लाइव वायर। ये रहा सेंसर और ये रहा कनेक्टर। ब्लू वायर, रेड वायर और ब्राउन वायर। ब्लू वायर दोस्तों कॉमन न्यूट्रल है, ब्राउन है लाइन 230 वोल्ट्स की फेज एन एल, रेड वायर लगानी है लोड को और लोड की सेकेंड वायर लगानी है ब्लू वायर को जो कि होगी कॉमन न्यूट्रल। चलो अब एक्चुअल कनेक्शंस देख लेते हैं। लोड की और पावर सप्लाई की न्यूट्रल्स कर ली है मैंने कॉमन। यहां लगाई 230 वोल्ट्स फेज वायर, यहां लगाई लोड की रेड वायर। अब सेंसर की रेड वायर लगाई लोड के पॉइंट पर, ब्लू वायर लगाई न्यूट्रल पॉइंट पर और ब्राउन वायर लगाई 230 वोल्ट्स एसी फेज वायर को। वायरिंग कंप्लीट, अब टेस्ट करते हैं। दोस्तों मैंने दूसरे रूम में जाके टेस्ट की है इसकी रेंज ऑलमोस्ट 20 फीट दूर से। लेट्स सी इसने कैसा परफॉर्म किया है। परफेक्ट एज एक्सपेक्टेड गाइज, इसने मेरी हर एक मोशन को फ्लॉलेसली डिटेक्ट किया है। इस माइक्रोवेव मोशन सेंसर का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। अगर बड़े एप्लीकेशंस के लिए आपको खरीदना हो या रीसेल के लिए खरीदना हो तो बेस्ट प्राइस के लिए ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक कंपनी से आप खरीदे, मैंने सप्लाई डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी है। वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी, तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। पर्सनल इंक्वायरी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें DM कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सवाल, डाउट्स या सुझाव हमें कमेंट्स करें, हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।